जन्मदिन के मौके पर तमाम सीनियर और जूनियर तमाम आर्टिस्ट आए, क्या कहना चाहेंगे सारे गेस्ट के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा जो बर्थडे सेलिब्रेट होता था हमेशा मध्य प्रदेश में होता था। मेरे तमाम चाहने वाले बहुत शानदार करते थे। मुंबई में जब ऐसा सोचा गया कि बर्थडे करना है, इस तरह की एक छोटी सी पार्टी करनी है म्यूजिकल में जहाँ सब लोग आ सकें, तो मुझे पहले लगा कि कैसे होगा, क्योंकि एक परदेश है, परदेश में कोई अपना है कि नहीं है कैसे पता चलेगा। लेकिन जैसे ही हमने ये बर्थडे का कार्यक्रम रखा, वैसे ही पता चला कि परदेश में मिला कोई अपना, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं मेरे सब अपने नज़र आ रहे हैं, सब ने मुझे बहुत प्यार दिया है। रमेश गोयल जी बहुत प्यार करते हैं मुझे, मेरे पुराने बर्थडे में भी आपने लाइव और मुझे बहुत प्यार दिया था। प्रमोद सिंह जी मेरे बहुत अच्छे मित्र, जिन्होंने हौसला दिया मुझे कि आप करिए। कल्पना जी जिन्होंने फ़ोन पे मुझसे, हमने इनसे बात की तो इन्होंने कहा बिल्कुल करिए, हम आएंगे। और आप आए, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। जितने भी लोग आए हम सब का बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करते हैं। मैं तो कहना चाहूँगी, देखिए मुंबई शहर ऐसा है, यहाँ पे जल्दी अपना कोई ढूंढने से मिलता नहीं है। लेकिन बहुत कम वक्त में मुझे लगता है कि मेरे जो एक बहुत बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं मधुर जी हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और इनको बहुत सारी तहे दिल से मैं जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हज़ारों साल जिए, बहुत खुशी से जिए, बहुत तरक्की करें, और संगीत में बहुत बड़ा नाम हो इनका, मैं इनको देखना चाहती हूँ एक मुकाम पर। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बस जैसा कि सब लोगों ने बता दिया, बोल दिया, बस अपना भाई है, हम इसको यूँ ही प्रमोट करते रहें। मेरा नाम प्रमोद है, मैं बस लोगों को प्रमोट करता हूँ, जैसा नाम वैसा काम जो है। और बस हम लोगों ने ये सब दो दिन में जो है अरेंजमेंट किया, आपके दिल से निकली, नहीं प्रमोद जी यहाँ कुछ करना है, हमने कहा नहीं भाई मैं खड़ा हूँ साथ में आपके, और आज आप सब देख रहे हैं जैसा कि, बस ये हमारा दोस्त आगे बढ़े, यूँ ही तरक्की करे, आप सबकी दुआएँ ब्लेसिंग चाहिए इसको। थैंक यू सो मच। अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छे सिंगर है, और बहुत अच्छा होस्ट भी करते हैं, तो उनको बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारा आज लॉन्च हुआ है एक के ब्रांड। मुझे जस्ट इन्होंने बोला था कि मैं एक ब्रांड बना रहा हूँ एक के नाम का, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है चलेगा, बट सच में ही इन्होंने बना दिया। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हम लोग पहनते हैं और बहुत सारे ब्रांड हम देख रहे हैं, उसमें से एक के ब्रांड भी सबसे फेमस हो और सब गरीबों तक ये कपड़े पहुँच जाए, ये मैं आशा करती हूँ। और हमारी दो मूवी आ रही है जिनकी शूटिंग रिसेंटली कम्प्लीट हुई है और जल्दी आपके सामने आएगी, एक है मैं हूँ ऑटो वाला और एक है आई लव यू द रियल लव स्टोरी। दोनों की शूटिंग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, तो ज़रूर देखिएगा, ये जल्दी आपके सामने न्यू ईयर में आएगी, तो ज़रूर नया साल में 2019 में धमाका होगा। कियों की ये खुमारी मुझे भा गई, आते 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 तेरी याद आ गई, तेरी अखियों की ये खुमारी मुझे भा गई, आते 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 तेरी याद आ गई, तेरी याद, 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 तेरी याद। थैंक यू, थैंक यू। बर्थडे तो है ही है, लेकिन एक चीज़ और अच्छी लग रही है कि सब लोगों को इकट्ठा किया इन्होंने, और वो तरीका इन्होंने चाहे वो जींस का अपनाया हो या भाजपा समर्थक इसको राजनीतिक रंग दिया हो, दोनों में ही एक बात है कि कम से कम इनको वो समर्थन से ये कर पाए होंगे, क्योंकि आजकल कुछ भी करने में जो धनराशि लगती है उस चीज़ों के लिए ये ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें की जाएं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रकाश को कि ये बहुत अच्छा काम करें, गाता तो अच्छा है, मैंने इसे बहुत सुना भी है, और उसके साथ साथ ये हर चीज़ में तरक्की करें, जो इन्होंने अभी हमारे दिलीप जी ने कहा कि थोड़ी मेहनत ज़रूरी है, इबादत की तरह रियाज करना ज़रूरी है, वही सब चीज़ों से आगे बढ़ता है आदमी। देखो अपना बच्चा है, उसको मैंने उन्होंने बोल ही दिया कि उसका बिगिनर ही हूँ मैं, और उसको फिल्म इंडस्ट्री में मैं वो काबिल नहीं रहता था तो ला के भी कोई फ़ायदा नहीं होता था, और वो काबिल था पहले से, ओनली रास्ता मैंने दिखाया, बहुत अच्छा। बाकी मैं आज जो बर्थडे है हमारा प्रकाश तिवारी मधुर जी की, बहुत खुश हूँ कि ये
इनका एक छोटा सा क्रेडिट मेरे पे जाता है कि इनका जीवन का मुंबई शहर में फिल्म का पहला गाना भी मैंने गवाया हूँ। और मैंने इसका मतलब जिसको चुना था उदित जी का साथ हमने डुएट किए थे शायद, है ना, तो वो अव्वल नंबर आया और आज कंटिन्यूटी लिए आज इतने आगे बढ़ रहा है, बहुत खुशी की बात है। और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे गाने गाते रहेंगे और ये मेहनत और लगन तो ऑलरेडी इनके पास है। एक रिक्वेस्ट है ओनली कि ये इंडस्ट्री में एक चीज़ है कि लोग बहका देते हैं, बुरा नहीं मानना, कि सोनू निगम को बेचारे लोगों ने हीरो बना दिए जोर ज़बरदस्ती और बीच में अपने संगीत को छोड़ दिया था। मैं ये कहूँगा कि हमारा प्रकाश तिवारी एक बहुत अच्छा गुणी और बहुत मीठा सिंगर है, ज़्यादा अपना संगीत को ही ध्यान दे, हीरो का ठीक है एक दो पिक्चर कर लो चलेगा। और यही मैं उनको ये बर्थडे की मौके पे आशीर्वाद देते हुए मैंने कह रहा हूँ कि इनको बधाई दे रहा हूँ कि ये एक अमर संगीत सिंगर लोगों का लिस्ट में इनका भी नाम आए। कल्याण जी जाना एक उभरता हुआ एक्टर है, एक डांसर है, फोटोग्राफर है, बहुत अच्छा काम करता है। मैंने इनके कई सारे शो देखे और देख के मुझे लगा ऐसा कि इनको प्रमोट करना चाहिए। ये प्रमोट करने के लिए इनके मैंने ये जींस और टी शर्ट बनाया है जो आपको मार्केट में मिलेगा, ऑनलाइन भी मिलेगा, ऑफलाइन भी मिलेगा। और इसमें कुछ ज़्यादा करना चाहता हूँ। इनके साथ जो अंकिता हैं इनको भी हमारे साथ साथ ये जींस लेडीज़ भी मिलेगी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। इसका भी हम करेंगे कि कल्याणी जाना के नाम से लड़की भी जींस पहने। कल्याणी जाना बहुत अच्छा डांसर है, बहुत अच्छा, क्या इसकी जितनी तारीफ करूँ कम है। और मैं चाहता हूँ मैं जितनी चीज़ें फैशन एक सीरीज़ के नाम से बनाऊँ, मेरी कंपनी के नाम से हर एक पे कल्याणी जाना का पोस्टर लगाऊँ। साबिर सर, आपने देखा अक्सर कि इंडस्ट्री में देखा है सलमान खान का भी वुमन है, इसके बाद मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कल्याणी जाना के नाम पे। हाँ, तो हमारे लिए सलमान खान यही है, और सलमान खान भी उसी बेसिस से आए थे, उसी तरीके से आए थे। ये भी यार वो अपने काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं ये भी फिल्म इंडस्ट्री में इसी तरीके से आएँ, ऐसे ही नाम कमाएँ, कम से कम नाम कमाएँ। नाम अगर नाम नहीं तो इज्जत तो कमाएँ, और बहुत सारी कमाई है इज्जत, काफ़ी सारे लोग इनकी इज्जत करते हैं और बहुत बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि अगर मैं घड़ी भी बनाऊँ तो कल्याणी जाना के नाम से बनाऊँ। और बेसिकली उसको मैंने इतना कम रेट रखा है कि गरीब से गरीब आदमी पहन सके, क्योंकि ये गरीबों का एक्टर है, गरीबों तक वो जींस पहुँचे। और उसका रॉयल मटेरियल ऐसा होगा जो आप ब्रांडेड में देखते हैं, ब्रांडेड फर्स्ट कॉपी में इंशाल्लाह ऐसा रहेगा, और बहुत रिजनेबल रेट पे मिलेगी, और आने वाले वक्त में लेडीज़ भी मिलेंगी। ऑनलाइन हम बेच रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, गूगल पे, हर जगह हम बेच रहे हैं। ऑफलाइन भी यहाँ बॉम्बे में चालू कर देंगे इंशाल्लाह, जल्दी मिलेगा आने वाले समय में। सबसे पहले भाईजान को मेरा नमस्कार जो मुझे चुना है। मैं कोई इतना बड़ा एक्टर नहीं हूँ, ना कोई बड़ा इंसान हूँ। मैं एक एके बूट हम लोग भी लेके आ रहा है, जैसा सर ने ये लेके आ रहा है, मैं एक बूट लेके आ रहा है, एके बूट, जैसा अंकिता का नाम और मेरा नाम दोनों का समोच करके, जैसा अंकिता का ए और कल्याण जी का के, तो एके बूट। तो सर ने बहुत दिनों से मुझे बोला, कल्याण जी तुम्हारा नाम का मैं एक ब्रांड बनाएगा। मैंने क्या ब्रांड? जो गरीबों का एक्टर कल्याण जाना उसके नाम से जीन्स और पैंट। मैंने बोला सर ये कैसा? बोला नहीं कल्याण जी जाना तुमको बहुत लोग जानता है, पूछते हैं, तो ये तुम्हारा बहुत जो तुम्हें जो जानता है वो लेंगे, वो बाकी लोग भी लेंगे। बोले सर थैंक यू सो मच। तो दिल्ली से 3 बार मीटिंग करने के लिए आया मेरे पास, और मैं शुक्रगुजार हूँ सर आपका जो आपने चुना मुझे, एंड थैंक यू सो मच प्रकाश तिवारी जी जिनकी बर्थडे में मुझे इतना अच्छा मौका मिला, क्योंकि मेरे भाई है वो मेरा बड़ा भाई है प्रकाश तिवारी, बहुत अच्छी सिंगर है, एक्टर है, और साथ साथ जो प्रमोद सिंह साहब है जो सेलिब्रिटी मैनेजर है, जो हमें मेरे को और प्रकाश को दोनों को आगे बढ़ाते हैं। ये प्रमोद सिंह साहब है जो मतलब हमें ये प्रमोट करेंगे, जैसा सर जीन्स को बनाएंगे, ये जीन्स को बनाएंगे तो प्रमोट यही करेंगे, क्योंकि वो मैनेजर है। और सबसे बड़ी बात है मेरे पिता गांव में है, लेकिन पिता समान ये जब भी कुछ भी काम करते तो आता है। अरविंद जी यहाँ पे है, मेरा भाई मिलन जना वो आया नहीं, दूसरा भाई है कमाल खान जो मेरा भाई है, तो हम दोनों कभी भी मखदुम शाह गए हैं, दोनों साथ जाते हैं तो दोनों साथ मस्ती करते हैं, तो कमाल खान भी यहाँ पे है, तमाम यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे हमारे रुपेश जी है जो जैसा कि उनका नाम है उसी तरह वो अपने मधुर आवाज़ से सारी दुनिया में प्रकाश फैला रहे हैं, और उन भगवान उनको हर तरीके की सफलता दे।
पर आज उनको मौका है किशोर कुमार बनने का, तो ऑल द बेस्ट, गुड लक। दूसरा मैं कल्याण जी के लिए कहना चाहूँगा कि बसंत ऋतु की तरह हर चीज़ की शुरुआत बहुत छोटी होती है और अल्लाह मेहरबान हो जाए तो वो पहलवान हो जाती है। ऑल द बेस्ट, गुड लक। सर, प्रकाश तिवारी जी को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। और ये मल्टी टैलेंटेड प्रकाश तिवारी जी, मल्टी टैलेंटेड है, मतलब ये गाना भी गाते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, अनाउंसमेंट भी करते हैं और हर चीज़ में माहिर है ये। तो मैं तो इनका फ़ैन हूँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इनमें बहुत टैलेंट है। अगर ये टैलेंट जो है सही इस्तेमाल हो जाएगा तो निश्चित रूप से एक कलाकार बहुत ऊपर आ सकता है और निश्चित रूप से इनकी जगह बन सकती है। बस इन पर किसी की नज़र पड़नी चाहिए बड़े आदमी की। जब तक नज़र नहीं पड़ेगी तब तक जो है ठीक है, अपना स्ट्रगल तो अपनी जगह पर रहता है, लेकिन मुझे उम्मीद है इनका टैलेंट जो है ऊपर आएगा और किसी न किसी बड़े आदमी के थ्रू इनको ब्रेक मिलेगा। एज सिंगर, एज एन एक्टर और अनाउंसर तो बहुत बढ़िया हैं ये, तो मेरी शुभकामना है। बाकी जो कल्याण जी जाना साहब ने जो ये जींस का और जिस तरह से जींस का ये टी शर्ट का जिस तरह से ये माहौल पैदा किया है अपने नाम से, कल्याण जी जाना गरीबों का एक्टर है इसलिए गरीबों के लिए जो सामान बनाया इन्होंने, तो ये ब्रांड चलाया है, तो ये बहुत बड़ी नई बात है इस इंडस्ट्री में। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि किसी गरीब एक्टर का जो है जीन्स हो, पेंट हो या जूते हो, टी शर्ट हो। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद कल्याण जी जाना साहब। हैं जी, नहीं नहीं, सलमान खान मेरी गुरु है। सलमान, यहाँ सलमान खान की बात हम इसलिए नहीं करेंगे कि सलमान खान भी अपना बच्चा है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी तरक्की करे और ज़्यादा तरक्की रहे, तंदुरुस्त है। बाकी कल्याण जी जाना ने जो ये ज़ीरो थे एकदम, एक्चुअल देखा जाए मैं, मुझे इनकी लाइफ मालूम है, एकदम ज़ीरो थे और ज़ीरो से ये हीरो बन रहे हैं, यानी इनकी कोई पोजिशन नहीं थी बॉम्बे में। हाँ, तो इसलिए, और बहुत बढ़िया डांसर हैं, डांस डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं और बीजेपी के लीडर हैं, जो आज की जो पार्टी है उसके लीडर भी हैं। इन्होंने काफ़ी बड़ा काम संभाला हुआ है बॉम्बे में और जिस तरह से ये सब बना, कल्याण जी जाना का जो नाम से जो ये टी शर्ट, जीन्स और जो बूट वगैरह मिलेंगे गरीबों के हिसाब से, उनकी रेट के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हो जाएगा और भगवान करे ये तरक्की करें, खूब आगे बढ़े। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। सबसे अजय रूपक जी, अजय सर, मेरे महाराष्ट्र के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। अगर मैं थोड़ा भी अगर आगे बढ़ा हूँ तो इसमें एक इंसान, एक लड़की का हाथ है, उनका नाम है अंकिता बांबुलकर। अगर वो ना होता मेरे जीवन में तो मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो थैंक यू फॉर अंकिता, जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, चाहे मेरी फिल्म में हो, चाहे मेरे किधर भी मैं फंस जाता हूँ तो वह मुझे सपोर्ट करता है। दूसरा सपोर्ट है मेरे संजय भूषण पटियाला और हिमांशु। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।